लक्षण जी, जयप्रकाश लक्षण एंड सुनीता श्रुतिश्री। वो कहते नहीं कि आपका नाम ही ना आपका इंट्रोडक्शन कर देता है, तो एक स्पेशल नेम का मतलब होता है कि दे आर सम स्पेशल लीडर। तो ये जो चीजें हैं ये बहुत ही, मतलब मैं इस तरह की चीजों को बहुत बारीकी से देखता हूँ और मैं महसूस करता हूँ कि क्योंकि आप एक ब्रांड है अपने आप में, इस दुनिया में आप अकेले हैं, आपके साथ उसका है ही नहीं कोई, तो आप अपना ब्रांड बनाइए ना, अलग से एक पहचान होनी चाहिए इस दुनिया में आपकी। यस यू आर सम बड़ी डिफरेंट, है ना, सम स्पेशल फिगर। तो बहुत बढ़िया, इस तरह का नाम जो मेरे को महसूस कराता है, और आप ये अपने काम से भी इस तरह का महसूस करा रहे हैं सभी के साथ में, तो ऐसे ही ये यात्रा चलती रहेगी। एक और लीडर हमारे ये हैं, अभी तो वैसे तो मुकेश जी का भी मन होगा कि सर मेरा मुकेश जी, मतलब दो मुकेश जी हैं, मेरा मन है मुकेश चौहान जी को बुलाने का, लेकिन दूसरा मन है मुकेश शर्मा जी को बुलाने का। लेकिन ये कश्मकश नहीं चल सकता है क्योंकि आज की जो उपलब्धि है वो मुकेश शर्मा जी के लिए बनती है। मैं चाह रहा था मैं चौहान साहब को बुलाऊं, पर चौहान साहब को मैं बुलाऊंगा। चौहान साहब, आपकी दहाड़ के बिना मीटिंग नहीं खत्म होने वाली, प्लीज इंतजार करें। लेकिन अगली आवाज है बहुत ही, मैं आपको बोलना चाहूंगा दिल से, बिल्कुल अजीज, मेरे भाई की तरह है, बेशक मेरे से उम्र शायद छोटी बड़ी होगी, लेकिन वो मेरे यंगर ब्रदर की तरह है। मतलब वो, मतलब मैं उम्र से शायद छोटा हूँ, लेकिन फिर भी वो मेरे लिए इस बिजनेस में छोटे भाई हैं, उम्र में वो मेरे बड़े भाई हैं, और फरीदाबाद में वो मेरे साथ में बिल्कुल कहते जान हाजिर है सर, इस कमिटमेंट के साथ काम करते हैं। तो अगली आवाज़ सुनते हैं मुकेश शर्मा जी की। ये बहुत ही स्पेशल मौका है सर, बिल्कुल आप लोगों ने मिलकर छोटे छोटे काम किए, और करते करते देखो आज सुनीता जी अपने आप में एक बहुत शानदार लीडर डेवलप हो चुकी हैं और अपनी टीम को लीड कर रही हैं। सुपर जी सर, ओवर टू यू मुकेश सर, गुड शर्मा जी। मॉर्निंग। सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, सर, आपकी स्पेशल फीलिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर थैंक यू। सर आपने मेरी लाइफ चेंज की है। जब 15, 16, 17 साल मैंने सर नेटवर्किंग की है, कभी इतनी सफलता नहीं मिली जो यहाँ मिली। और दूसरा सर, एक बात कहते हैं ना, जैसा आप बोते हो वैसा आप काटते हो। तो जैसा मैंने सुनीता जी को लीडर बनाया और जितनी जल्दी वो ग्रो की, उसका रिजल्ट ये हुआ, उनको भी ऐसे लीडर मिल रहे हैं जो बड़ी तेजी से ग्रो कर रहे हैं, सुपर, सीख रहे हैं और उनकी तरह डुप्लीकेसी कर रहे हैं। सर, और एक मनोज जी से आज मेरे को बहुत अच्छा मैसेज मिलने मिला है सर, कि कई बार हम फीमेल से बात करते हैं, मेरी टीम में भी कई फीमेल्स होती हैं, बोले मेरे को कहीं बाहर जाने का टाइम नहीं मिलता, मेरे हस्बैंड कहीं नहीं लेके जाते, या ट्रेवल करना बड़ा दिक्कत होती है, बड़ा बड़ा सिटी नहीं जा सकती। तो उनके लिए मनोज जी एग्जाम्पल है सर। बिल्कुल उन्होंने अपनी लिमिटेशंस में रह के, मैं कहता हूँ फील्ड का जो वर्क है उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, बेस्ट फील्ड में काम करना ही है। अब तक वो लिमिटेशंस में काम किया, उन्होंने फैमिली ने साथ दिया, तो वो फील्ड में भी काम करेंगे। पर जिन लोगों के साथ लिमिटेशंस है ना, उन लिमिटेशंस को अपना वो मत बनाइए कि इनके कारण हम आगे नहीं बढ़ेंगे, उन इनोवेशंस कीजिए आप। अब जैसे जूम इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई, आप बाहर नहीं निकल सकते, आप जूम से करके काम करिए। हो सकता है ये आप 7 बनी है, लोग जूम से 8 भी बने आने वाले टाइम में, गोल्ड लाइन में टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ रही है, तो बहुत अच्छा है सर। और एक चीज मैं कहना चाहूंगा सर, एक पुरानी कहावत है, नो पेन नो गेन, मतलब जब तक आप दर्द नहीं लोगे जब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी कोई। मैं इसमें चीज एक ऐड करना चाहूंगा सर, वो है नई कहावत, मैं इसको कहना चाहूंगा, नो ट्रेनिंग नो गेन, नो ट्रेन नो गेन, मतलब जब आप तक अपने आप को ट्रेन नहीं करोगे ना, जब तक आप गेन नहीं करोगे। इसका एग्जाम्पल है मनोज जी और सुनीता जी, इन्होंने सीखा चीजों को और टीम में सिखाया, तो इन्होंने ट्रेन किया तभी गेन किया। तो दोनों कहावतें साथ साथ चलती हैं, आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी, आपको अपने आप को ट्रेन भी करना पड़ेगा, अपनी टीम को भी ट्रेन करना पड़ेगा। दूसरा आज बहुत अच्छा मैसेज है कि आप अपनी लिमिटेशंस मत मानिए, अपने ड्रीम्स को वो करिए, आप उसको ड्रीम फुलफिल करने हैं कि अपने सपने पूरे करने। आप घर से नहीं निकल सकते, आप जूम करिए, आप जूम नहीं कर सकते, आप फील्ड में निकलिए, पर करिए। और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ सर, मेरी टीम में, मेरे को ऐसी टीमें मिली हैं, एक साइड मुकेश चौहान जी जबरदस्त, एक साइड सुनीता श्रुति जी, विकास जी, मैं सबका नाम नहीं ले पाऊंगा, बहुत ही जबरदस्त टीम मिली है सर। ये पुराने मेरे जन्मों का फल होगा, मेरे को सफलता लेट मिली, पर अब जो लीडर मिले हैं ना सर, वो डायमंड लीडर मिले। किसी को भी रश्क हो सकता है कि मतलब मुकेश शर्मा जी के पास इतने अच्छे लीडर्स हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन मोती आपने ना लेट किए थे, तभी तो 15-20 साल बाद मिले। कंपनी जी, भी आपको अच्छी मिली, अपलाइन भी अच्छे मिले, और टीम तो है ही है।
बिल्कुल सर, मैंने सिर्फ आपको फॉलो किया सर, और यहाँ भी सबके लिए मैसेज है। और जैसे मनोज जी ने भी कहा कि अपना दिमाग लगाना ही नहीं है यहाँ, अपना दिमाग बाकी चीजों में लगाओ। यहाँ अगर आपका सीनियर 8 है तो आपको 8 तक का जाने का रास्ता बताएगा, ब्रोंज है तो ब्रोंज तक का जाने का बता देगा, गोल्ड है तो गोल्ड तक का जाने का बता देगा। तो अब मैं ब्रोंज बन चुका हूँ तो मेरे को दिमाग लगाना है डॉक्टर योगराज शर्मा कि वो गोल्ड कैसे बने, तो वो मेरे को अपना अपना दिमाग नहीं लगा कि मैं गोल्ड भी बन जाऊंगा। डायरेक्टर बनना है तो मैं आपका दिमाग यूज करूंगा, वैसे ऑलरेडी कर ही रहा हूँ तो सही रास्ते पे हूँ सर मैं। तो सर थैंक यू वेरी मच, बहुत स्पेशल फीलिंग्स है सर। मैं मुबारकबाद दूंगा सुनीता जी को, मनोज जी को बहुत बहुत बधाइयां, जल्दी से जल्दी मनोज जी 8 स्टार बने, सुनीता जी गोल्ड लाइन बने, दोनों आईडी पे ब्रॉन्ज बने। बगल में जयप्रकाश जी भी है, ध्यान रखना। जी 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 बिल्कुल, चाबी वही है। जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, वो तो है, मतलब ड्राइवर है वो टीम के, मतलब पूरी टीम को ड्राइव भी वो कर रहे हैं, सुनीता जी और जयप्रकाश जी मिलके बहुत अच्छा ड्राइव कर रहे हैं सर। आने वाले टाइम के डायनेमिक कपल हैं। और मैं सुनीता जी और जयप्रकाश जी को कहना चाहूंगा, जो सेकंड का आईडी का सर ने आपको कहा है कि जबरदस्त वो होगा, तो आप हिंट समझ जाइए और अपनी तैयारी करिए। थैंक यू वेरी मच सर मेरे को बोलने का मौका देने के लिए। बेटर त्यांस, बेटर लाइफ, आई लव त्यांस, आई लव आईडी सिस्टम, आई एम ए डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, चलो शिमला चलो सिंगापुर। थैंक यू वेरी मच सर। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार मुकेश शर्मा जी, ये वाक्य में आज का दिन बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त है। एंड वी ऑल आर वेरी हैप्पी, एवरीबॉडी इज़ हैप्पी, बिकॉज जो सक्सेस है ना, सक्सेस को मल्टीप्लाई करती है। ना जाने कितने लीडर्स हैं जिनको आज डॉक्टर मनोज जी से और सुनीता जी से इंस्पिरेशन मिली होगी। सुपर्ब, ऐसे ही आप आगे बढ़िए मुकेश शर्मा जी। बिल्कुल, आपकी पूरी टीम हज़ारों गोल्ड लाइन से भरी भी होंगी, ये हमारी शुभकामनाएं हमेशा रहेंगी। अगली आवाज है अगेन मुकेश सिंह चौहान जी। आज मैंने इनको कहा था दिन में फोन पे, मैं कहा आज मैं आपको लेने वाला हूँ, बट इन्होंने बोला सबसे पहले लेना। मैं कहा सबसे पहले तो पार्टी है, आपको बाद में लेंगे। जी सर वेलकम, ओवर टू यू मुकेश सिंह चौहान जी, ब्रॉन्ज लायन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पैनल में जितने भी हैं सभी को गुड मॉर्निंग। और सर आज का वास्तव में सेशन बहुत ही जबरदस्त, कहते ना सेशन तो जबरदस्त था, लेकिन आज का जो मनोज, डॉक्टर मनोज जी थे, मनोज बुडानिया जी, सुनीता जी और मुकेश सर जी, मुकेश सर जी ने देखो एक, मैं तो अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे ये मिले हैं, मुकेश सर मिले हैं, आप मिले हैं, मैं अपने आप को और जो मेरी टीम है, मेरा परिवार है, मैं अपने आप को सभी को भाग्यशाली मानता हूँ, मुझे ऐसा परिवार मिला है, आप जैसे सक्सेसफुल लीडर्स मिले हैं, मुझे इनमें काम करने का मौका मिला, शायद लेट मिला, हालांकि ये बिजनेस मेरे पास में 2008 में आ गया था, लेकिन इत्तेफाक से नहीं कर पाया था। भाई साहब आपको हमारे साथ काम करना था, 2008 में होते तो पता नहीं कहीं और होते। हाँ बिल्कुल, लेट तो ये तो मैं जी। चौहान जी आवाज चली गई, आवाज चलेगी सर, आ गई। हाँ तो मैं पैनल में बस यही सबसे अच्छा एक बताना चाहता हूँ दोस्तों, कामयाबी का सबसे बड़ा राज यही है कि आप हमेशा अपने आप पे फुल कॉन्फिडेंस रखें, विश्वास रखें, आप जितनी भी चुनौती आएंगे, जितने भी चैलेंज आएंगे, चैलेंज इतना खौफ कर देंगे, चैलेंज आपसे खतरा है, इतना खौफ पैदा कर देंगे, चैलेंज आपसे दूर भागे, आपके सामने कुछ चैलेंज, कहते ना कुछ चैलेंज ना बने दोस्तों। आज मैं अपने आप को, मैं आज मेरे टीम के अंदर मैं एक मेरी बातें हो रही थी मेरे 3-4 लीडरों से, मैंने कहा था कि यदि मेरे को कोई आज चैलेंज कर दे कि 1 हफ्ते के अंदर 1 स्टार बनना है, मैं चैलेंज करता हूं, मैं 1 हफ्ते के अंदर 1 स्टार निकाल सकता हूं दोस्तों, क्योंकि अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं कर सकता हूं, और जिसे सोच रहे मैं कर सकता हूं ना तो कर सकता हूं, जिसे सोच रहे जी शायद होगा नहीं होगा तो ये मुश्किल है दोस्तों। हम सबसे कहते ना हमारे प्रोडक्ट है जबरदस्त है, हमारे कहते ना कंपनी टाइम से सब प्रोडक्ट मिल चुका है, अब कहते हैं इससे अच्छा तो क्या होगा, अच्छे कर्म नहीं बहुत अच्छे कर्म के लिए, किस जन्म में के लिए पता नहीं, जो ऐसा प्लेटफॉर्म हमें मिला है, साथ में सक्सेसफुल लीडर्स पाली बसा जी जैसे सक्सेसफुल लीडर्स जो आज हिंदुस्तान में नहीं, हमें प्राउड होना चाहिए, तो एशिया में नहीं वर्ल्ड में जाने जाते हैं। साथियों
मुकेश शर्मा जी, योगराज जी, मैंने केवल केवल ये तीन शख्स को ही देखा है, मुकेश शर्मा जी को, योगराज जी को और पाली बसा जी को। मैं देखता हूं कि कैसे मुकेश शर्मा जी जॉब छोड़ के इसके अंदर आए, कैसे योगराज जी एक आम आदमी थे आज विशेष बने, ऐसे पाली बसा जी आज एक विशेष नहीं बहुत विशेष बन चुके हैं। तो हम भी ऐसा बन सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन एक्शन लेने पे होता है, बात करने पे नहीं होता है। दोस्तों मुझे देखते हो नींद क्यों नहीं आती है, मैं देखता हूं सुबह कब होगी। मैं आज भी इतना ही काम कर रहा हूं जितना मैं फ्रेशर था, जिस दिन मेरी ज्वाइनिंग हुई थी मैं उस दिन भी इतना ही काम कर रहा था जितना मैं आज काम कर रहा हूं। आज पूरी टीम क्यों फायर्ड है, पूरी टीम इसलिए फायर्ड है, हम मिलकर काम कर रहे हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ा रहे हैं। और अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि सभी बस लक्ष्य बना के रखे, अभी जो हिमाचल कन्वेंशन होने वाला है उस पर फोकस कर दें। कल 28 तारीख है, कल का दिन में जितने आप विदेश निकाल के निकाले और 28-25 दिसंबर को अपना जो हिमाचल के होने वाला है फ्रॉम बीबीएस, उसके अंदर अपना लेवल चेंज करके चले। जो लीडर्स ऐसा करेंगे मैं कहता हूं आप ये कल के 28 तारीख ना देखें, आप देखें 25 तारीख को, आप देखें 24 तारीख को, आप 16 दिसंबर है, 18 दिसंबर की जो अपनी क्लोजिंग है उस पे ध्यान करें, आपको लेवल चेंज करना है। 23 तारीख को अपना लेवल चेंज करना है और हिमाचल कन्वेंशन में अपने आप को अपना लेवल चेंज करके वहां अपने आप को दिखाना है कि मैं कर सकता हूं, मैं अपना लेवल चेंज कर सकता हूं, तो मैं अपनी टीम का कर सकता हूं। तो दोस्तों हिमाचल के लिए अपने टिकटें बुक कराएं, जिसने भी ये फॉर्म देख लिया मैं दावे से कहता हूं 100% 2022 में रोल्टी क्लब में आएगा। लेकिन किसी दूसरे से ना पूछे कि मुझे जाना है कि नहीं जाना है, तुझे जाना है कि नहीं जाना है, पहले अपनी टिकट बुक कराएं, उसके बाद में दूसरे टिकट उससे पूछे, क्योंकि अपनी टिकट बुक कराएंगे करा लेंगे अगले से पूछेंगे, क्योंकि आप उससे पूछोगे तो कहीं ऐसा ना कह दे क्या करोगे भाई बहुत लंबा है, ऐसा मौका ना दे किसी को। आप उसको बोले भाई साहब मैंने टिकट बुक करा ली है, आप चलोगे तो आपका भी उद्धार हो जाएगा, ये फाइनल है, मुझे मेरा उद्धार करना है, मेरी बाजी पार करनी है हिमाचल चल के शिमला चल के। दोस्तों अपने टिकटें 100% अभी बुक कराएं और टिकट बुक कराने के बाद में अपनी टीम के अंदर स्वयं जाए, इंडिविजुअल जाए कि मैंने टिकट बुक करा ली है। टिकट तो मिलने वाली है, गेट लगने वाला बता दिया मैंने आपको, और 24 घंटे में टिकट इज गोइंग टू बी क्लोज्ड सोल्ड आउट। तो सभी जितने पैलेस में है सोचो, याद रखें अपनी टिकटें, कहते ना अभी ये बहुत आज ऐसा लास्ट ना हो। दिन है, आज लास्ट दिन है जो आप बता रहे हो लोगों को टिकट ले लो ले लो, कल से तो बोलना पड़ेगा नहीं है। हाँ बोलना चाहे तो आप ये बोल सकते हो टिकट नहीं मिलेगी, आना है लेकिन टिकट नहीं मिलेगी, तो लोग समझ जाएंगे कि अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा, अच्छा। मतलब नहीं आना है इसलिए। बहुत अच्छा सर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं यही कहना चाहूंगा बेटर टाइम्स बेटर लाइफ, आई लव टाइम्स I love our system. I am a diamonds. We are diamonds. Go golden. So everyone. Salo Shimla. Salo Shimla. Salo Singapore. Thank you, sir. I salute, sir. Thank you. Thank you. Thank you. बहुत ही जबरदस्त मुकेश जी ने अपनी फीलिंग शेयर की हमेशा की तरह, लेकिन एक गुड न्यूज ये है कि टिकट खत्म, टिकट मिलने वाली नहीं है। टिकट के लिए कल से हम पैनल में किसी को ये नहीं बोलेंगे टिकट ले लो, क्योंकि टिकट तो है ही नहीं, कहाँ से दें। अब हम तैयारी कर रहे हैं कैसे फूल लगेंगे होंगे वहाँ, कैसा वेन्यू सजा होगा वहाँ, वेन्यू के अंदर क्या धमाके होंगे, क्या माहौल होगा, कैसे एंट्री होगी, कैसे रिकॉग्निशन होगी, कैसे शेयरिंग होगी, कैसे मतलब माहौल सातवें आसमान में होगा, क्लाउड नाइन में। जस्ट हैव अ फीलिंग दैट। तो जो इस प्रोग्राम के लिए ऑलरेडी बुक हो चुके हैं बस आप अपनी तैयारी करो, क्योंकि मामला जो है हिमाचल में बर्फ पड़ गई आज, ठंड का मामला, आज 5 डिग्री टेम्परेचर है इस टाइम। हाँ जी 5 डिग्री है, अभी दिसंबर तो आना बाकी है 4 दिन बाद। मामला बड़ा शानदार जाने वाला है, बहुत एंजॉय करने वाले हैं, लेकिन अब वहाँ के और अगले सूरत हाल जो बताने के लिए मैं बुलाने वाला हूँ। और यस आज के अचीवर को मुबारकबाद देने के लिए एक और LOS में ग्रेट लीडर गोल्ड लाइन योगराज शर्मा जी। Over to you, sir. Welcome आज तो आपके परिवार में
बहुत सारी खुशखबरियां हैं, और अभी तक की शेयरिंग जो है ना आज बाई चांस आपकी ही फैमिली से हो रही है। अगली आवाज आपकी है, हम सब लोग इंतजार कर रहे हैं। वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और एक दो शेयरिंग अभी और फ्रेंड्स, एक दो शेयरिंग इसके बाद भी होंगी, इसलिए बने रहें पैनल में। जी सर। सर मैं शॉर्ट मैसेज के साथ कंप्लीट करूंगा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कांग्रेचुलेट करना चाहूंगा डॉक्टर मनोज बड़ानिया जी, जिन्होंने अभी ब्रांड न्यू 7 स्टार अपना ब्रेक किया है। सो बहुत बहुत मुबारकबाद मनोज जी, आपको, आपके पूरे परिवार को। इसी तरह से आप आगे बढ़ते रहें, और राजस्थान में हम बहुत सारे गोल्ड लाइन क्रिएट करेंगे वासुदेव सर के साथ, और वासुदेव सर की गाइडेंस में, सुपरविजन में, और आप पर हम मिलकर जो है राजस्थान से भी सैकड़ों गोल्ड लाइन जो है आने वाले 5 साल में हम वहां से डेफिनेटली जनरेट करेंगे। तो बहुत बहुत बधाई आपको जो है, इसी तरह से आप आगे बढ़े जिस डेडिकेशन के साथ, सबमिशन के साथ, और जिस जज्बे के साथ आप काम कर रही हैं, उसी तरह से आप आगे बढ़ेंगी तो डेफिनेटली 2022 दिसंबर यू आर अ गोल्ड लाइन। सो माय बेस्ट विशेस टू यू, और आपके पूरी टीम को भी, और आपके जितने भी पूरी फैमिली को, और साथ में आपके जो एलोअर्स हैं मैं उनको मुबारकबाद देना चाहूंगा। आर्टिस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन टू सुनीता जी और जयप्रकाश जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने सेकंड आईडी पे ए स्टार करके जो है एक नया माइलस्टोन क्रिएट किया है, और बहुत सारे लीडर्स के लिए आप लोग इंस्पिरेशन है। आपसे लर्न करके बहुत सारे लीडर्स आज अपने आप को इम्पावर कर रहे हैं, बेटर कर रहे हैं, और अपनी लाइफ को और बेहतर कर रहे हैं, और अपने परिवार को भी मजबूत कर रहे हैं। तो इसी तरह से आप आगे बढ़े, आपको और आपके पूरे परिवार को, और साथ में आपकी जितनी भी टीम है सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद। इसी के साथ सर, आज हिमाचल जैसे सोलन से भी अगर हम बात करते हैं, मोर देन 15 से ज्यादा न्यू गोल्ड कार्ड होल्डर जिन्होंने भी गोल्ड कार्ड ब्रेक किया है, उन सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। और इतने ही लोगों ने अभी ब्रेसलेट अचीव किया है आज की डेट में, उन सबको भी बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत सारे लीडर्स ने अभी प्लैटिनम 5 स्टार और इसी के साथ 6 स्टार ब्रेक किया है। आज मैं देख रहा था कि खाली विनीता जी के ग्रुप से जो है कम से कम आज 10 से ज्यादा लोगों ने 6 स्टार ब्रेक किया, मोर देन तो अराउंड 13 लोगों ने 6 स्टार ब्रेक किया है, और कल की डेट में शायद आंकड़ा और बढ़ेगा। तो दिस वीक मतलब 12 से ज्यादा लोगों ने 6 स्टार। तुम सारे लीडर्स को भी बहुत बहुत मुबारकबाद, और इसी के साथ जिन लोगों ने 7 स्टार किया है और 8 स्टार ब्रेक किया है, क्योंकि जो प्रमोशन होती है तो सभी की होती है, और बहुत सारे लीडर्स ने अभी सिंगापुर मलेशिया टूर क्वालिफाई कर रहे हैं, और बहुत सारे कर चुके हैं, सिर्फ जो न्यूज है उसको भी रिलीज करना बाकी है। बहुत सारी गुड न्यूज जो है वेटिंग में है, कहते एक कंप्लीट हो जाए फिर दूसरी चलेगी। तो इसी तरह से आप सबको भी बहुत बहुत मुबारकबाद, और मैं अक्सर कहता आया पिछले 1 महीने से कि हम इस 1 महीने में वो कर सकते हैं जो हमने पिछले 3 महीने में नहीं किया, और इस 1 हफ्ते में भी हम वो कर सकते थे जो हमने पिछले 3 महीने में नहीं किया। यानी कि जो पिछले हमने जो है 15 वीक्स पे नहीं कर पाए वो हम इस 1 हफ्ते में कर सकते थे, या जो हमने पिछले 12-13 हफ्तों में नहीं किया। डेफिनेटली बहुत सारे लीडर्स ने करके दिखाया है। सो आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद, कॉन्ग्रेचुलेशन। यही जज्बा चाहिए, यही सबमिशन चाहिए, और यही डेडिकेशन चाहिए। जब इस तरह का सबमिशन होता है और इस तरह का गाइडेंस जब हमें मिलती है, जब वासुदेव सर और यहाँ पे जितने भी सीनियर लीडर्स आते हैं, डॉक्टर पंचाल साहब हैं, और इवन हम सीनियर्स की ही नहीं, I always grateful to all of you, because यहाँ पे मैं देखता हूँ जो 6 स्टार है, 7 स्टार है, कई बार ऐसे भी लीडर्स आते हैं जिन्होंने अभी रिसेंट स्टार्ट किया होता है, बट वो यहाँ पे बात करते हैं, उनका जो एक्सपीरियंस है बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनते हैं। एंड आई ऑलवेज ग्रेटफुल टू यू सर कि आपकी गाइडेंस में, आपके सुपरविजन में ये कारवां आगे बढ़ रहा है। इसी तरह से आप ब्लेस करते रहें, और 2030 का जो हमारा टारगेट है 10,000 गोल्ड लाइन, हम इस आंकड़े को टच करेंगे, इससे आगे जाएंगे। तो आपका सुपरविजन, आपकी ब्लेसिंग्स और ऊपर वाले की कृपा, और हमारे जो पेरेंट्स से बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद इसी तरह से हम पर बना रहे।
तो डेफिनेटली हम जीवन में बड़े से बड़े टारगेट को पूरा कर सकते हैं। और वैसे भी कहा जाता है कि ब्रदर और फादर में कोई फर्क नहीं रह जाता है, और आपने हमेशा एज अ फादर, एज अ ब्रदर और एज अ मेंटर हर तरह से आपने सपोर्ट किया है। सो मैं स्पीचलेस हूँ, मैं मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि किस तरह से थैंक्स करें, बट आई ऑलवेज थैंकफुल टू यू एंड आई ऑलवेज ग्रेटफुल टू यू। सो थैंक यू वेरी मच सर। और एक साल का जो हमारा टारगेट है 100 सिटी 100 गोल्ड लाइन और 100 लग्जरी कार, सबसे पहले हम इसको डन करेंगे, क्योंकि ये वो नीम है जिससे हम 10,000 गोल्ड लाइन जो प्रोड्यूस करेंगे। और अलग अलग रीजन में अगले 10 साल में बहुत कुछ ऐसा होने वाला है जो कि हिस्टोरिक होगा। तो मैं एक ही चीज कहूंगा आप सभी को, गेट रेडी फ्रेंड्स, लेट्स फ्लाई टुगेदर। और कमिंग सून, जैसे अभी नेक्स्ट कोई भी पॉलिसी आती है उसमें इस पैनल पे बैठा हुआ हर एक शख्स टूर पे हो, और इसी तरह से जो 26 दिसंबर 2021 को जो हमारा जो फर्स्ट कन्वेंशन है, आप अपने LOS से संपर्क करें, और आप जिनके भी टिकट्स कन्फर्म हो चुके हैं आप अपनी तैयारी कर लीजिए। जैसे सर ने कहा कि टेम्परेचर एवरी डे आपको टेम्परेचर 1 डिग्री तक जा रहा है, कभी भी गुड न्यूज आ सकती है। फर्स्ट स्नोफॉल हो गया, सेकेंड तब होगा जिस दिन आप आएंगे, उससे पहले पहला हो चुका होगा, दूसरे के लिए आप तैयार हो जाइए, बहुत मजा आने वाला है। तो आप सभी का शिमला में, सोलन में स्वागत है, सोलन टीम की तरफ से जो है, और जितने भी हमारे बिजनेस पार्टनर अलग अलग रीजन से अलग अलग स्टेट से यहाँ पे आ रहे हैं, सो आप अपनी पहले से तैयारी करें, गर्म कपड़े आप जरूर पैक करें, और यहाँ पे हम खूब सारा एंजॉय करने वाले हैं। और फाइनली आप सभी के लिए बेस्ट विशेष के साथ साथ कि आपकी जितने भी टीम से टियांस के साथ आप पूरे करें, सो इसी के साथ बेटर टियांस, बेटर लाइफ, आई लव टियांस, आई लव आईडी सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड फ्रेंड्स, गो गोल्ड लाइन सून एवरीवन, थैंक यू वेरी मच सर। और फाइनली मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, मैं अक्सर कहता हूँ कि आप जैसा दूरदृष्टि वाला इंसान जब किसी के साथ हो और इस तरह से जब आप गाइड करते हैं, जब आप जैसा मेंटर है, डेफिनेटली हम बड़े से बड़ा टारगेट बीट कर सकते हैं। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि अर्जुन की तरह जो निशाना साधना जानता है ना, तो बड़े से बड़ा युद्ध जीत सकता है, और जिंदगी भी एक युद्ध की तरह ही है। और इसलिए मैंने कहा था कि निगाह में मंजिल थी, गिरे और गिर के संभलते रहे, हवाओं ने तो बहुत कोशिश की, आंधियों में भी ये चिराग जलते रहे, इसीलिए ये कारवां रोशन है, आप है, हम है, और मिलकर डेफिनेटली We can. Thank you very much, sir. Thank you. बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त योगराज जी, आपके पास जो विजन है, जो फीलिंग है और जो एक्सपीरियंस है, वो एक भंडार है, अपने आप में खजाना है, और हम सब लोगों के लिए वो बट रहा है। हम सब लोगों को अपना एक्सपीरियंस लेना चाहिए आप जैसे लीडर से, और आगे बढ़ना चाहिए। और जैसे कहा कि गोल्ड लाइन बनना है ना, तो योगराज जी, वासुदेव सर, अमरीश पंचाल जी, प्रवीणा बोगरा जी, इनसे बेहतरीन कोई दूसरा आदमी नहीं बता सकता आपको। SS गुप्ता जी हैं हमारे बीच में, राइट। तो मैं अगली जो आवाज़ लेना चाहूँगा सर, आपकी टीम में तो हजारों का भंडार लगने वाला है, खजाना कहते हैं ना, ट्रेजर ऑफ गोल्ड लाइंस बनने वाले हैं। ये बेस्ट विशेज हैं योगराज जी, और सभी लोग खूब सारी मौज लें, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस एंड प्रॉस्परस हों, ये शुभकामनाएं। और अगली आवाज़ है हमारे ग्रेट लीडर वासुदेव सर, जो विद फैमिली, जैसे मैं देखता हूँ लगातार वासुदेव सर और साक्षी जी तो बिल्कुल फ्रंट में रहते हैं, और बैकग्राउंड में जो है अर्चना जी और जाह्नवी जी और फैमिली वो भी रहते हैं। जैसे मेरे साथ भी है ना कि फ्रंट में मैं नजर आता हूँ, रोको यार, पापा का नंबर आ रहा, चुप हो जाओ, पूरा टीम हमारे साथ में है। ऐसे में जाऊंगा कि अगली आवाज वासुदेव सर की। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सो मच पॉल सर, एंड इट्स नाइस। और आज के जो अचीवमेंट वो बहुत ही शानदार, जबरदस्त लीडर, एंड कांग्रेचुलेशन टू डॉक्टर मनोज बुडानिया जी, एंड शी इज डिजर्विंग। और बहुत ही शानदार और शालीन तरीके से उन्होंने काम को सीखा है और किया है, सो इट्स रियली वंडरफुल। और सुनीता जी ने अपना 8 स्टार किया है 2nd ID पे, दैट इज ऑल्सो वेरी वंडरफुल, सो आई कॉन्ग्रेचुलेट सुनीता जी ऑल्सो,
एंड ये मनोज मुकेश शर्मा जी के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन है बिकॉज उनकी टीम में इतने होनहार लीडर डेवलप हो रहे हैं। और योगराज शर्मा जी जो गोल्ड माइन है आज के टाइम पे, गोल्ड माइन, उनके नीचे सोना दबा पड़ा है बिल्कुल जबरदस्त तरीके से। सो गोल्ड माइन क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि गोल्ड लॉयन उनके पास में बहुत सारे हैं और बहुत सारे आने वाले हैं। सो बहुत जबरदस्त। और ये जो एफर्मेशन चल रहा है बहुत टाइम से, वो उसका असर होने लगा है ब्रह्मांड में। 100 गोल्ड लॉयन का जो हम माला जप रहे थे बहुत टाइम से सारे लोग, और जो लास्ट में एफर्मेशन चलता है बेटर चांस बेटर लाइफ एंड गो गोल्ड लॉयन वाला, वो ये जो ब्रह्मांड है वो उसको रियलिटी में प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया। एक्चुअली हमारे वर्ड्स बहुत पावरफुल होते हैं, और जो हम बोलते हैं वो कभी भी, जो हम वॉइस निकालते हैं वो कभी भी खत्म नहीं होती है, वो हमेशा ब्रह्मांड में रहती है और उसके प्रोडक्शंस होते रहते हैं। सो और इसके पीछे सर लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, जो आपने एक दिन वो बुक और वो वीडियो दिखाया था इसका द सीक्रेट का। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये होता है कि जब बहुत सारे लोग एक साथ एक चीज का एफर्मेशन करते हैं तो वो चीजें बहुत जल्दी से घटित होना स्टार्ट कर देती है। और यहाँ पे तो जो भी शेयरिंग के लिए आता है या जो लोग हैं सभी एफर्मेशन करते हैं गो गोल्ड लॉयन सून, गो गोल्ड लॉयन सून। तो अभी तो इतना होने वाला है कि इधर से मुंह में निकलेगा गो गोल्ड लॉयन, पता चला उधर कोई गोल्ड लॉयन हो गया, ऐसा भी होने वाला है। सो गेट रेडी माय डियर फ्रेंड, क्योंकि 10,000 का जो रेजोल्यूशन है, जो टारगेट है, वो छोटा मोटा नहीं होता है। 10,000 आप सोचिए, इमेजिन कीजिए कि जब 10,000 गोल्ड लॉयन होंगे आईडीनेट के पैनल में, तो टियांस इंटरनेशनल, टियांस इंडिया में बहुत बड़ी हलचल हो जाएगी। और जितने भी आज जब सर आप ये पोस्टर रिलीज कर रहे थे यहाँ पे, तो मेरे को वो 4-star, 5-star, 6-star जब चल रहे थे उस पे स्क्रीन पे, तो मेरे को वो गोल्ड लॉयन दिख रहे थे सारे के सारे। वो 10,000 की काउंटिंग में आ रहे थे, ऐसे रील चल रही थी। सो ये दिस द पिक्चर हम लोग देख सकते हैं जो गोल्ड लॉयन होने वाले हैं आप सभी लोग। एंड आई कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। एंड क्लोजिंग का लास्ट डे है कल, और इसमें आप और बहुत कुछ कर सकते हैं, अपना काम कीजिए और कल के कल कुछ और माइलस्टोन्स को पूरा कीजिए। एंड एट लास्ट मैं कॉन्ग्रेचुलेशन करूंगा ऑल अचीवर्स को, जितने भी अचीवर्स हैं जिन्होंने 4-star किया है, प्लैटिनम किया है, एंड गोल्ड कार्ड से जो आए हैं 6-star किया है, 7-star किया है, 8-star किया है, और जो होने वाले हैं। सो एट लास्ट मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत अच्छी शेयरिंग आज सुनने को मिली है, और बहुत जबरदस्त शेयरिंग थी आज हमारे डॉक्टर मनोज बुडानिया जी की, शानदार शेयरिंग। उन्होंने बहुत सारी चीजें वो बताई थी कि डेफिनेटली सी इज लर्निंग, वो सीख रही हैं और उन चीजों का रिफ्लेक्शन आ रहा है। वैसे ही सुनीता जी ने भी बहुत जबरदस्त चीजें बताई, एंड ये चीजें हैं जो हमारी नींव मजबूत करती है बिजनेस में। सो कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन, एंड बेटर चांस बेटर लाइफ। I love Tiyans, I love IDNet system, I am a diamond, we all are diamond, go gold loan, everyone soon, and get ready for Shimla, सभी का confirmation हो चुका है, tickets end होने वाले हैं, तो कल की कल आप अपने tickets को भी confirm करें, अपने arrangements को confirm करें, और अपनी team में जो भी number बढ़ सकते हैं उनको बढ़ाएं, और वहां पे जाने का मतलब है कि आप एक कदम और आगे बढ़ जाते हैं गोल्ड लॉयन के लिए। जो वहां जाएंगे उनके लिए बिल्कुल बहुत सारी चीजें उनके दिमाग में पिक्चर्स बनेंगी कि क्या होता है गोल्ड लॉयन और गोल्ड लॉयन क्यों होना जरूरी है। तो उसके लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है, सो उसकी तैयारी करें। एंड थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सो मच पॉल सर। सर कुछ कह रहे थे, आपकी वजह से हो रहा है सर। थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू आईडीनेट सिस्टम, एंड थैंक यू ऑल लीडर्स, माय फैमिली, माय लवली टीम, एंड लीजर सर, एंड आई पे माय थैंक्स टू ऑल ऑफ यू
इन दिस आईडीनेट पैनल एंड आईडीनेट फैमिली. जितने भी लोग यहाँ पे हैं, जितने भी लोग कनेक्ट होते हैं, जितने भी लोग आईडीनेट को जिन्होंने अपने आप को सोच रखा है कि हम आईडीनेट के हैं और आईडीनेट हमारा है, उन सभी का मैं बहुत तहे दिल से थैंक्स करना चाहता हूँ. थैंक यू वेरी मच सर. सुपर्ब सर, सुपर्ब. अल्टीमेट वासुदेव सर, आपने, आपके पूरे परिवार ने और पूरी टीम ने जबरदस्त माहौल बनाया है सर, और यही एक टीम वर्क की निशानी है. और जहाँ रही बात करने की, तो मेरे तो एक सिंपल लाइन में ही खत्म हो जाती बात कि करते हैं कन्हैया नाम हमारा हो रहा है, राइट. तो ये कर तो ऊपर वाला ही रहा है, कहीं ना कहीं आशीर्वाद है हम सब पर कि हम लोगों को इतनी अच्छी बुद्धि मिल गई है कि यूनिटी इज द पावर. इस दुनिया में जो यूनिटी में काम हो सकता है वो कभी भी अकेले नहीं हो सकता. एक आदमी वो होता है, एक वो पर्सनालिटी होती है जो यूनिटी में जान डालती है, एक और भी होती है पर्सनालिटी वो यूनिटी को तोड़ने में लगे रहते हैं. तो ये हमको देखना है कि हमारी जो पर्सनालिटी है कैसी है. ऐसा हो सकता है क्योंकि कई बार डीएनए खराब होता ना कईयों का, कोई दिक्कत नहीं, जिंदगी में कुछ भी हो सकता है, पास्ट में क्या माल मिला कुछ भी हो सकता है, लेकिन आगे माल क्या होना चाहिए ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि ग्रोथ डेवलपमेंट और सक्सेस के लिए यूनिटी बड़ी जरूरी है. कहीं ना किसी संगठन में जुड़ना पड़ेगा, उस संगठन के प्रति आपको संगठित होना पड़ेगा, फिर उसके प्रति समर्पित होना पड़ेगा, और फिर वहां से वापसी मिलेगी. पहले डालना पड़ेगा फिर वापस मिलेगी. इन बातों के लिए बोलने की मेरे को जरूरत इसलिए पड़ गई कि सर ने इतना सारा श्रेय दे दिया, तो ऐसा कुछ नहीं है. हाँ ये जरूर है कि आज हमने शुरुआत की है, लेकिन आप सभी लीडर्स की वजह से ये जो है ना वो विजन जो हमने बनाया है वो पूर्ण होते हुए नजर आ रहा है, जो कि हम सबका विजन है, किसी एक इंडिविजुअल का नहीं है, हम सबका है. सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ठीक है ना. ये वाकई में ये नारे ना दम होते हैं. ये जरूरी नहीं है किसने बोला, किस पार्टी ने बोला, चीज मतलब की है. यूनिटी इज द पॉलिसी, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है. ये कोई ऐसा नहीं किसी मंत्री ने बोला था तो हम बोल रहे हैं, किसी आदमी ने बोला तो बोल रहे हैं. ये ट्रुथ होता है जो दुनिया में जब तक सूरज चांद रहेंगे ये सच्चाइयां भी रहेंगी. तो आज का सेशन तो हमने कल के भी ब्रेक मार दिया, मैंने सोचा था कल योगराज जी ने ब्रेक रिकॉर्ड तोड़ा, तो आज हमने इनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है ना लंबा करके. तो चलो फिर भी ये एक स्पेशल मौका होता है. जैसे मेरे को याद आया कि आपको एक चीज बताना चाहूंगा, अगर आप क्लोजिंग के टाइम में, ये जो क्लोजिंग है ना, कल सुशील जी को देख रहा था मैं, यहाँ स्पीच चल रही थी क्लोजिंग, वो सुशील जी कैलकुलेशन कर रही थी, अपना हिसाब तब बना रही थी, ठीक है. तो आप सभी लीडर्स के लिए मैं एक मैसेज देना चाहूंगा, अगर आप नेटवर्कर, अगर इस इंडस्ट्री से आप कामयाब होना चाहते हो, अगर आप 12 बजे से पहले सो रहे हो ना, बड़ी खतरनाक बात बता रहा हूँ मैं आपको, तो इसका मतलब नेटवर्किंग नहीं कर रहे हो. अगर आपको 12 बजे से पहले नींद आ रही है ना, तो आप नेटवर्किंग नहीं कर रहे हो. अगर 12 बजे तक, चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे मर्जी, अगर आप लगे पड़े हो ना आई लव ट्यांस, आई लव आईडीनेट सिस्टम, मामला सही जा रहा है. ऐसे क्लोजिंग के दिनों में, क्लोजिंग के टाइम में, हर हफ्ते क्लोजिंग होती है, 5 तारीख को, 12 तारीख को, 19 तारीख को, 28 तारीख को, ये क्लोजिंग के जो लास्ट के एक दो दिन होते हैं ना, 5 तारीख से पहले 3, 4, 5, 12 से पहले 10, 11, 12, 19 से पहले 17, 18, 19, और 28 से पहले कुछ ज्यादा पहले 25, 26, 27, 28. अगर इन दिनों में अगर आप लगे नहीं हो ना कैलकुलेशन में, तो आप क्लोजिंग नहीं कर रहे हो, हिसाब नहीं लगा रहे हो ना, अगर कहाँ कितनी सेल डल रही है, किसका कमी रह गई है, किसके कितने पूरे करने थे, कैसे किया जाए, क्या उसको समझाया जा रहा है, तू अपनी, वो तेरा दोस्त है, वो तेरा रिश्तेदार है, अच्छा तेरे जो 4 प्रोस्पेक्ट थे उससे बात हुई थी ना, उनको कैसे क्लोज करना है, कहाँ बात क्या आ रही है, अगर ये कैलकुलेशन नहीं हो रही है तो अभी क्लोजिंग नहीं कर रहे हो आप. इस बिजनेस की ये कुछ सिम्पटम होता है ना, बीमारी होती है ना, जैसे कि वो कोरोना हो गया तो बोलते हैं ना, खांसी हो जाता है, जुकाम हो जाता है, बुखार आता है, तो ऐसे ही सिम्पटम है त्यांस बिजनेस में कामयाब होने वाले लोगों के, कि आपके क्लोजिंग के टाइम में आप फिक्रमंद नहीं है, ना अपने लिए ना अपनी टीम के लिए, या फिर अब जो भी बातें बतानी मैंने बता दी, दो बातें है ना, कि एक तो क्लोजिंग के टाइम में, और दूसरा आप 12 बजे से पहले सो रहे हो तो, और तीसरा यही है, खाते पीते सोते जागते अगर 24 घंटे
चल रहा है ना दिमाग में, तो इसका मतलब यूं है निशाने पे आंख अर्जुन की जो तीर है ना लगना ही लगना है आंख में, क्योंकि टारगेट कहाँ है, दिखाई क्या दे रहा है, सिर्फ अपना टारगेट। तो आपको अपना टारगेट नजर आना चाहिए, आप एच से बनना चाहते हो, ब्रॉन्ज लाइन बनना चाहते हो, सिल्वर लाइन, गोल्ड लाइन। गोल्ड तो मजबूरी है बनना, और खासतौर से जो लास्ट में बच जाते हैं ना, ये वही लोग हैं जिनको ये पता है कि कोई बात नहीं सर, आप तो बारह भी बजाओगे तब भी साथ ही है। कई भाई घर वाले उठा के ले जाते हैं इनको खींच के, अरे अब तो चलो होता है ऐसा है। चलो एनीवे बहुत अच्छा है, वी आर सो मच, मतलब हम इतने इंटेंस हैं, इतने डेडिकेटेड हैं, और ये निशानियां हैं। और देखिए काफी, मैंने कहा ना 1000 लोगों का पैनल है, और खचा खच भरा होगा। ये दर्शक दीर्घा जो है ना, ये हिंदुस्तान के कोने कोने से नहीं, पूरी दुनिया से लोग इसमें होंगे। ये ले लिया है इस पैकेज का जो है ना, ये प्रीमियम आएगा, प्रीमियम। आज तो इन्वेस्टमेंट है ही है, आने वाले टाइम इसके ऊपर प्रीमियम आने वाला, डिविडेंड मिलने वाले हैं इसके कई गुना जूम मीटिंग के। तो फाइनली हम थैंक यू करेंगे आज सबका, जिसमें मैं सीता साहू जी को देख रहा हूँ लास्ट में, सुदेश जी को देख रहा हूँ मैं, सुदेश कुमारी जी हरियाणा से, करनाल से, जय कृष्ण जांगड़ा जी, शशि कांता जी, सीमा विश्वास जी, सविता जी, ममता गर्ग जी, और नीता जी, रजनी देवी जी, विश्व प्रकाश जी, माया अनिल जी, मीनाक्षी रावत जी। कल परसों बहुत प्रोग्राम होने वाले, कल परसों फिर आपके सामने बहुत सारे रिजल्ट आने वाले हैं इलेक्शन के, इसलिए कल परसों तैयार है। सुशील चिकारा जी, अनीता ठाकुर जी, धीरेंद्र जी, धीरेंद्र सिंह जी, अनीता यादव जी, विशाल भारद्वाज जी, योगेश कुमार जी, संदीप कौर जी, एंड डॉक्टर मनोज बढ़ानिया जी से बात हो गई आज, हिमेश नायक जी, कविता कोहली जी, डॉक्टर ए के पंचाल साहब, वनिता राज जी, बहुत सारे रिजल्ट है वनिता राज जी के पास। देखो आज कितना काम हो रहा है कि बड़े बड़े लीडरों को भी इंतजार करना पड़ रहा है। दाई गुजरिया जी, लीला चौहान जी, डॉक्टर अनीता शर्मा जी, प्रतिमा वर्मा जी, प्रेम लोचाप जी, कृष्ण एंड सुपर्णा वर्मन जी, मंजू जी, मंजू प्रवीण जी, कौशल्या जी रोडू से, हीरा सिंह जी, सुशील मित्तल जी, कैलाश मित्तल जी, एंड मधु शोभा जी, कविता स्वामी जी, स्पेशली नीता अग्रवाल जी। फाइनली तो जबरदस्त, आप सभी ने आज का ये प्रोग्राम जबरदस्त तरीके से कामयाब किया। लास्ट में देख रहा हूँ परविंदर जी भी आ गए हैं। तो इस तरीके से ये प्रोग्राम हर रोज बहुत सक्सेस हो रहा है। आज बहुत सारी बातें हमने काम की, बहुत जबरदस्त शेयरिंग रही। अल्टीमेटली इस प्रोग्राम को क्लोज करने का टाइम भी आ गया है, अपनी वाणी को विराम देने का टाइम आ गया है। फाइनली हमारे मैजिकल मंत्र आज के साथ, बेटर टियांस बेटर लाइफ, आई लव टियांस, आई लव दिल से आई डिन सिस्टम, आई बिलीव आई एम अ डायमंड। आज नहीं, जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था तभी पता था आई एम अ डायमंड, एंड आई बिलीव वी ऑल आर डायमंड। आई बिलीव गो गोल्ड लाइन एवरी वन सून, लाइफ इज देयर। और गोल्ड लाइन वो वाला नहीं है जो सिर्फ गोल्ड लाइन बना, गोल्ड लाइन वो जिसकी टीम में गोल्ड लाइन की फौज पैदा होंगी, और वो हो सकता है डुप्लीकेशन से। डुप्लीकेशन एक प्रोसेस है, 100 सिटी 100 गोल्ड, 2022, 2030 मिशन, 10,000 गोल्ड लाइन्स। एक इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल करने का ये मिशन है, और जिस तरीके से हमें कॉन्फिडेंस मिल रहा है लीडर्स से, टीम से, ऐसा लगता है कि बहुत बड़े चमत्कार होंगे आने वाले सालों में। तो वंस अगेन लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू। कल शाम को ठीक 8:30 बजे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत, अगले 24 घंटे में जोर लगाते हैं। वंस अगेन थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, गुड बाय, मीट यू शार्प टुमारो 8:30, टिल देन बाय बाय।